तो जगत सिंह के समय जो चित्रों के प्रमुख विषय रहे कृष्ण लीला पुराण गीत गोविंद सूरसागर रामायण रागमाला रसिक प्रिया और रामचंद्रिका जो थे इनके साथ साथ रितिकालीन साहित्य रितिकालीन साहित्य जो थे उन पे आधारित यानी श्रृंगार विषय मासा ऋतु वर्णन रागमाला अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ें कॉमन है अपने दोनों लेसन के अंदर कॉमन विषय है जहाँ पर बारह मासा यानी साल के बारह महीनों का वर्णन यहाँ पर चित्रों के माध्यम से किया गया बारह महीनों के अंदर जो ऋतुएं होती है वो छह ऋतुएं होती है तो ंडन एक कॉमन पॉइंट है इनमें से कोई सा भी आ जाए जैसे रागमाला नायक नायिका श्रृंगार बारे मासा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जैसे श्रृंगार विषय तो श्रृंगार कौन करता है स्त्री या पुरुष तो यहां पर पुरुष के लिए नायक शब्द आया स्त्री के लिए नायिका अब बारह मासा साल के बारह महीने होते बारह महीनों में छः ऋतुएं होती है और छह ऋतुओं का जब परिवर्तन होता है तो उनके परिवर्तन काल का जो असर है वो प्रत्येक जीव जंतु पर होता है तो नायक नायिकाओं के जो श्रृंगार थे वो ऋतुओं के अनुसार थे रागमाला रागमाला है गीत से संबंधित आप सारे लोग फिल्में देखते हो हर फिल्म के अंदर कोई ना कोई गीत होते हैं कुछ गीत प्रेम से संबंधित होते हैं अब प्रेम में दो प्रकार का उल्लेख किया गया है जैसे संयोग और वियोग संयोग यानी मिलना जैसे नायक या नायिका जैसे हीरो या हीरोइन अब यहाँ नायक और नायिका कौन थे यहाँ नायक थे भगवान कृष्ण और नायिका थी राधा या गोपिया अब इनको दूसरे रूपों में जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपने आप को भगवान कृष्ण के रूप में यानी नायक के रूप में और अपनी रानी को या रानियों को नायिकाओं के रूप में कलाकारों से चित्रित करवाया तो यहां अपने नायक और नायिका जो है भगवान कृष्ण और राधा या उनकी गोपियाँ हैं। तो संगीत के अंदर प्रेम से संबंधित प्रेम में संयोग और वियोग यानी मिलना और बिछड़ना दोनों ही प्रकार के रागों से संबंधित यहाँ पर श्रृंगार देखने को मिलता है तो ये जितने भी विषय हैं ये सारे अपने दोनों चैप्टर में कॉमन है इनके अलावा कुछ और विषय थे हैं वो भी कॉमन है जैसे दरबार के दृश्य व्यक्ति चित्र व्यक्ति चित्र जो मुगल कला में सभी ये चित्र के रूप में अपने नाम आया था दरबार के अलावा आखेट के दृश्य आखेट यानी शिकार के दृश्य शिकार होता था जंगलों में तो जंगल जो है वहां सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य जो था तो प्रकृति चित्रण ये कॉमन विषय है और क्षेत्रों के आधार पर उनका वहां पर चित्रण किया गया है वो अपन आगे विशेषताओं में वर्णन करेंगे उनका फिर राणा राज सिंह ने शासन संभाला राणा राज सिंह जो थे इनका औरंगजेब के साथ निरंतर युद्ध चलता था क्योंकि औरंगजेब जो था एक कट्टर शासक था और उसने अपने शासन काल में हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी मंदिर थे उनको नष्ट करने का फरमान फरमान यानी आदेश जारी कर दिया था और राणा राज सिंह जो थे हिंदू धर्म को बचाने के प्रयास में निरंतर औरंगजेब से लड़ाई करते रहते थे तो श्रीनाथ जी में श्रीनाथ जी यानी भगवान कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति है जो नाथ द्वारा के अंदर मंदिर है तो श्रीनाथ जी और कृष्ण भक्ति के कारण नाथ द्वारा के अंदर इस मूर्ति की रक्षा के लिए यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति की रक्षा के लिए औरंगजेब और राणा राज सिंह में भयानक युद्ध हुआ और हिंदू धर्म की उन्होंने रक्षा की और श्रीनाथ जी की मूर्ति को नाथ द्वारा में स्थापित किया अब यहाँ एक नाम आता है पिछवाई पेंटिंग ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आता है एक बार तो कौन बनेगा करोड़पति के अंदर अमिताभ बच्चन ने भी पूछ लिया था कि पिछवाई पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है तो पिछवाई पेंटिंग जो है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है अब ये पिछवाई पेंटिंग होती क्या है पिछवाई पेंटिंग जो होती है ये कहते हैं श्री नाथ जी की जो मूर्ति है उनके पीछे जो कपड़ा लगता है उस कपड़े के ऊपर बने हुए जो चित्र है उनको पिछुआई पेंटिंग के नाम से पुकारा जाता है तो नाथ द्वारा की जो पिछुआई पेंटिंग है यह अपने हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी पहचानी जाती है और प्रसिद्ध है फिर राणा राज सिंह के बाद राणा संग्राम सिंह के समय बिहारी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ बिहारी सत्सई पर आधारित चित्र बनाए गए और इन चित्रों के ऊपर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है तो एक तो प्रभाव हो गया राजपूत शैली का दूसरा प्रभाव हो गया मुगल शैली का अब क्या हुआ कि अंग्रेजों का भारत में प्रकोप अधिक था और धीरे धीरे यह सत्ता आगे बढ़ा रहे थे तो 19वीं शताब्दी के अंदर यह अपने दोनों लेसन में कॉमन है 19वीं शताब्दी के अंदर यहाँ की कला पर यानी मेवाड़ की कला पर या राजस्थानी कला पर या राजपूत चित्रकला पर यूरोपियन यूरोपियन नाम नहीं आए तो पाश्चात्य और पाश्चात्य भी नहीं आए तो अंग्रेजी शैली का प्रभाव यहाँ पर पड़ा तो जब अंग्रेजी शैली का प्रभाव पड़ गया तो मेवाड़ शैली अपने मूल रूप को खोने लगी अब ये अंग्रेजी यूरोपियन पाश्चात्य या इसका एक नाम और है कंपनी शैली क्योंकि अंग्रेजों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी उसके नाम से इसका वर्णन अपन आगे आने वाले लेसन में करेंगे तो यूरोपियन पाश्चात्य अंग्रेजी या कंपनी शैली का प्रभाव यहाँ पर पड़ा तो ये था मेवाड़ शैली का उद्भव एवं विकास और अब अपन प्रारंभ करेंगे मेवाड़ शैली की विशेषताएं यानी चित्रों की विशेषताएं एक चीज़ ध्यान रखनी है जिस शैली का वर्णन पूछे उसके साथ उसके चित्रों की विशेषताओं को लिखना ज़रूर है ताकि ये अपना जो नंबरों का मैटर है कई बार स्पीड में लिखते हुए भूल जाते हैं तो शैलीगत जो वर्णन है उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती है परंतु जो विशेषताएं हैं वो नंबर लेके उठ जाती है। और विशेषताएं जब साथ आएगी तभी उस शैली का जो मैटर है वो पूर्ण रूप से माना जाएगा चाहे विशेषता पूछी हो चाहे न पूछी हो तो ये विशेष ध्यान देना है किसी भी शैली के साथ उसका वर्णन करते समय उद्भव विकास बताते समय विशेषताओं को जरूर उसके साथ में अपन को लिखना है ठीक है अब अपन प्रारंभ करते हैं मेवाड़ शैली के चित्रों की विशेषताएं